यह वह इलाका है जिसने देश को विवेकानंद दिया। रामकृष्ण परमहंस का एक शिष्य एक वैश्विक परिदृश्य वाला एक ऐसा साधु बना जिसने भारतीय वेदांत को अनूठी पहुंच दी। वजह यह इलाका था, यहाँ के महाराजा अजीत सिंह। यह वह क्षेत्र है जिसे तांबा यानी कि कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आज बात खेतड़ी विधानसभा सीट की करेंगे, थिंक 360 के बैटल ग्राउंड यानी कि रणक्षेत्र कार्यक्रम में। यह वह सीट है जिसने शीशराम ओला जैसा एक नेता दिया। केंद्र की राजनीति में जाने से पहले शीशराम ओला यहाँ से भी 3 बार लगातार विधायक रहे हैं। वह पिलानी और झुंझुनू से भी कई बार विधायक रहे हैं। तो शेखावाटी की ये सामान्य यानी कि अनारक्षित सीट खेतड़ी राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है। फिलहाल ये नीम का थाना, उदयपुर वाटी, सूरजगढ़ और झुंझुनू सीट की सीमाएं छूती हैं। बीजेपी के नरेंद्र कुमार यहां से सांसद हैं और इस सीट पर वोटों की संख्या अभी तक 218,789 ही है और बूथ 209 हैं जिन पर औसतन मतदाता 1,047 हैं। परंतु मतदाताओं की बढ़ोतरी का काम आचार संहिता लागू होने तक जारी है। 11,370 मतदाता बीते 4 साल में बढ़ भी चुके हैं। यहाँ पे जाट, गुर्जर, दलित, सैनी और राजपूत आदि जाति के मतदाता प्रभावी संख्या में हैं। 2018 में यहाँ कांग्रेस के टिकट पर जितेंद्र सिंह चुनाव जीते हैं। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से 5 बार विधायक हैं, लेकिन लगातार सिर्फ एक ही बार जीत पाए हैं। परंतु बीते करीब 33 सालों से सीट कई कोणों के मुकाबलों में फंसती है। त्रिकोणीय चतुष्कोणीय संघर्ष यहाँ की पहचान है और बीते 20 सालों में बसपा के उदय ने यहाँ अलग ही राजनीतिक समीकरण स्थापित किए हैं। 2018 में जितेंद्र सिंह को 57,153 वोट मिले और बीजेपी के धर्मपाल को 56,196। अंतर 1% से भी कम यानी कि 957 वोटों का रहा। पिछली बार यानी कि 2008 में जितेंद्र सिंह मंत्री हुआ करते थे, इस बार उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। हालांकि वे विधानसभा के सभापति पैनल पर जरूर नजर आते हैं, अच्छे डिबेटर हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पे बहुत अच्छा बोलते हैं, एजुकेशन पे बहुत अच्छा बोलते हैं। तो 2013 में जो धर्मपाल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 2018 में जिनको टिकट दिया और बहुत 957 वोटों से हारे, 2013 में निर्दलीय खड़े होकर बीजेपी को हरा चुके थे और इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। परंतु यहाँ 2013 में विधायक रहे पूरणमल सैनी जो कि बसपा के टिकट पर विधायक थे, उनको जनता ने 2018 के चुनाव में 3rd नंबर पर धकेल दिया। पूरणमल वैसे तो 35,166 वोट लाए लेकिन वे जीत नहीं पाए। इस चुनाव में 11 प्रत्याशी खड़े हो गए और मामला त्रिकोणीय बन गया था। जितेंद्र सिंह 5वीं बार 2018 में विधानसभा पहुंचे। इससे पहले 2013 के चुनाव की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से विधायक थे और ऊर्जा मंत्री के नाते लड़ रहे थे। वो गहलोत सरकार में ऊर्जा और डीपीआर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहे थे। परंतु लोगों ने पूरणमल सैनी को बसपा के टिकट पर पसंद किया। 7,850 वोटों से उन्होंने जितेंद्र सिंह को हराया। वहीं बीजेपी के टिकट पर 2003 में विधायक बने दाताराम गुर्जर को लोगों ने 3rd नंबर पर धकेल दिया। उन्हें सिर्फ 19.20% वोट मिले। धर्मपाल गुर्जर जिन्हें 2008 में बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने टिकट कटने पर भागी होकर 15.42% वोट लिए और बसपा के जीतने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ पे 2013 में गुढ़ा सीट से 2003 में विधायक रहे रणवीर सिंह गुढ़ा ने भी लोक जनशक्ति पार्टी से पर्चा दाखिल किया था, चुनाव लड़ा लेकिन 3,940 वोटों के साथ वे 5वें नंबर पर रहे। 2008 में नए परिसीमन के बाद यहाँ जितेंद्र सिंह एक बार फिर से विधायक बने थे। उन्हें बीजेपी के धर्मपाल गुर्जर से बागियों के कारण खास टक्कर नहीं मिली। 2013 में विधायक बने पूरणमल सैनी बसपा से यानी कि 16,554 वोट ले गए, करीब 17% वोट खींच ले गए और जीत का अंतर महज 11% रहा। बीजेपी से विधायक दाताराम गुर्जर का टिकट काटकर धर्मपाल को दिया तो दाताराम भी बागी हो गए। उन्होंने 8,475 वोट का बछड़ बीजेपी को दे डाला। निर्दलीय रामअवतार भी 6,135 और भागीरथ भी 5,580 वोट ले गए। रामअवतार मालपुरिया 2003 में बसपा के प्रत्याशी हुआ करते थे और करीब 7,500 वोट लाए थे। तो खेतड़ी का जो मूड है वो पिछले 3 चुनावों में लगभग त्रिकोणीय नजर आ रहा है। इससे पहले की यानी कि बहुत पुराने इतिहास की बात करें तो 1951 में सीट पर 2 विधायक हुआ करते थे, जैसे मैं दूसरी सीटों पर भी आपको बताता रहा हूँ। खेतड़ी सामान्य सीट पर रघुवीर सिंह बिसाऊ राम राज्य परिषद से
और एससी सीट पर कांग्रेस के महादेव प्रसाद बंका यहां से विधायक जीते थे। दोनों ही खासे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 1957 में सामान्य सीट पर शीशराम ओला ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ख्याली राम को और एससी खेतड़ी पर महादेव जो बंका थे उन्होंने निर्दलीय शिवनारायण छाछिया को हराया। 1962 के परिसीमन में खेतड़ी एक सामान्य सीट हो गई तो यहां कांटे की टक्कर में शीशराम ओला स्वतंत्र पार्टी के चुन्नीलाल से महज 64 वोटों से जीत पाए। यहां उस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जय सिंह 5223 और निर्दलीय तारकेश्वर 4250 वोट ले गए। यहां मार्जिनल वोट से अधिक पाने वालों में एक मांगीलाल भी थे जिन्होंने 1137 वोट पाए। तो ये जो बागी थे इन्होंने ओला के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभा दी। 1967 में यहाँ स्वतंत्र पार्टी का फिर से प्रभाव हुआ तो ठाकुर रघुवीर सिंह बिसाऊ जो कि पहले ही विधानसभा में यहाँ से विधायक बने थे मंडावा विधानसभा चले गए थे वो छोड़कर ये खेतड़ी आए और शीशराम ओला के सामने खड़े हुए। शीशराम ओला करीब 6,500 वोटों से हार गए और जो रघुवीर सिंह थे वो तीसरी बार यहां से दूसरी और कुल तीसरी बार विधायक बने। रघुवीर सिंह के बारे में मैं बता दूं वो जयपुर महाराजा जो कि राजस्थान के पहले राजप्रमुख हुआ करते थे मानसिंह द्वितीय उनके 6 साल तक एडीसी रहे थे। वे स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। 3 बार विधायक रहने के बाद हारे शीशराम ओला को कुछ समय बाद खेतड़ी से पुनः मौका मिला। जब 67 का चुनाव जीतने के 3 या 4 साल बाद रघुवीर सिंह का 1971 में निधन हो गया। उपचुनाव में शीशराम ओला ने हेमराज को 21,812 वोटों से हरा कर एक बार फिर से विधानसभा की राह मुकम्मल की। 1972 के चुनाव में ओला पिलानी की सीट पर चुनाव लड़ने गए मतलब उन्होंने खेतड़ी की सीट छोड़ दी और पिलानी में भी ओला 2 बार वहां से चुनाव जीते। 72 में यहाँ पे स्वतंत्र पार्टी के रामजी लाल 31.56% वोट लाकर चुनाव जीते और कांग्रेस के प्रहलाद सिंह को 28.36% वोट मिले। निर्दलीय सूरज कुमार मूलचंद और रामदयाल भी मार्जिनिंग यानी विनिंग मार्जिनिंग से अधिक वोट ले गए। चुनाव मिक्स वेज टाइप हो गया। आपातकाल के बाद जब 1977 में यहाँ जनता पार्टी की लहर आई तो मालाराम यहाँ से विधायक बने और सीधे सपाट चुनाव जीते और प्रहलाद सिंह को करीब करीब 10,000 वोट से हराया। मालाराम यहाँ से पहले जनसंघ के टिकट पर नीम के थाना के विधायक हुआ करते थे। इस चुनाव में हालांकि 12 अन्य प्रत्याशी भी मैदान में थे लेकिन वे कुछ खास अंतर वाले वोट नहीं पा सके। मालाराम यहाँ की जनता को ऐसे रास आए कि लगातार 3 चुनाव वे जीते। 80 में बीजेपी के टिकट पर लड़े और कांग्रेस के रणदीप को हराया। 85 में कांग्रेस ने यहां से नरेश पाल सिंह को मैदान में उतारा। मालाराम 3,266 वोटों से एक बार फिर जीत गए। 23 मई 1987 को पद पर रहते हुए मालाराम का निधन हो गया। इस सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में प्रादुर्भाव हुआ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जिनका हम पूर्व में जिक्र कर चुके हैं। कांग्रेस ने युवा चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यहाँ गुर्जर वोट बैंक की बहुलता का फायदा उठाते हुए मैदान में उतारा। उन्होंने हजारी लाल को 13,943 वोटों से हराया। हालांकि 1990 में बीजेपी की लहर यानी कि राम मंदिर वाली लहर में हुए चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए। उन्हें निर्दलीय हजारी लाल ने 1% से भी कम अंतर यानी कि 619 वोटों से हरा दिया। अब मैं आपको कह चुका यहाँ लहर देश में बीजेपी की थी लेकिन यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी बजरंग लाल 3rd नंबर पर रहा। उन्हें सिर्फ 16,478 वोट मिले। यहाँ निर्दलीय सागरमल भी 15,364 वोट पा गए। इस चुनाव में यानी कि 1990 के चुनाव में यहाँ 17 प्रत्याशी मैदान में थे जिन्होंने मार्जिन वोट के बराबर तो वोट नहीं पाए लेकिन जितेंद्र सिंह के लिए खेल खराब कर दिया। अब 1992 में राजस्थान में जो बाबरी विध्वंस था और बॉम्बे बम ब्लास्ट कांड हुए उसके बाद में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन रहा और 93 में जब वापस विधानसभा के चुनाव हुए तो जितेंद्र सिंह जीते लेकिन अंतर थोड़ा कम रहा। बीजेपी के दाताराम गुर्जर ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। गुर्जर वर्सेस गुर्जर मुकाबला था। जितेंद्र सिंह को दाताराम से 335 वोट ही अधिक माए लेकिन वो मामूली अंतर से चुनाव जीत गए। निर्दलीय चिरंजी लाल और जनता दल के गजानंद मार्जिन वोटों से अधिक लाकर माहौल तो बदला और निर्दलीय मोहम्मद रिजवान को नाम के प्रत्याशी भी यहाँ थे जिनको 350 वोट मिले। 4 अन्य प्रत्याशी भी थे जो कुल मिला के 594 के आसपास वोट ले गए। तो 98 में यानी कि इसके 5 साल बाद जितेंद्र सिंह चुनाव तो 98 में जब कांग्रेस की लहर थी तो जितेंद्र सिंह एक बार फिर से करीब 5% वोटों के अंतर से चुनाव जीते।
उन्होंने बीजेपी का टिकट, दाताराम का जब टिकट कट गया बीजेपी से, तो दाताराम बागी हो गए और भागीरथ सिंह को बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो बीजेपी प्रत्याशी को 20,136 और निर्दलीय हजारीलाल को 8,000 वोट मिले, लेकिन दाताराम गुर्जर बागी हो गए, इसके चलते जितेंद्र सिंह 1998 में जीत गए। 2003 में दाताराम गुर्जर का भाग्य एक बार फिर चमका, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया तो जनता ने भी एक बार मौका दे डाला। उन्होंने इस चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 4,924 वोटों से हराया। हालांकि इस चुनाव में जीत में बड़ी भूमिका बसपा के रामावतार मालपुरिया की रही, जो कांग्रेस का मूल एससी वोट बैंक को अपनी ओर खींच ले गए और करीब 8,000 वोट पाए। तो खेतड़ी के लोग जो है वो पढ़े लिखे और समझदार प्रत्याशी अक्सर चुनते रहे हैं। यहाँ साक्षरता का प्रतिशत भी खूब है, इलाका उद्योगपतियों का है और तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ बीते 34 साल से राजनीति में हैं और 5 बार विधायक रह लिए। यही नहीं, अब 77 वर्ष के उम्र दराज हो गए हैं, कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, बसपा का हाथी किसे खेतड़ी में अपनी पीठ पर बिठाएगा और बीजेपी का कमल किसके हाथ में खिलेगा, ये तो पता नहीं। लेकिन आप थिंक 360 का सब्सक्राइब वाला बटन चुन ही लीजिए और बेल आइकन वाला बटन भी दबा दीजिए। हम वादा करते हैं कि रोचक जानकारियों से भरपूर विधानसभा चुनाव का इतिहास, वर्तमान हालात और भविष्य की संभावनाओं को आपसे साझा करता रहेंगे।